मथुरा का एक राजा था जिसका नाम कंस था। वह बहुत निर्दयी था। उसकी बहन देवकी और वासुदेव की शादी के समय एक आकाशवाणी हुई कि उनके आठवीं संतान कंस का काल बनेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा।